Good morning and assalamualaikum everyone. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. We all are doing good and fine over here and welcome back to my channel. बहुत ज़्यादा ना आपको face पे ना मेरा थकावट नज़र आ रही होगी, but ऐसे जितनी भी नहीं है लेकिन है थोड़ी बहुत. तो आज है संडे एंड आज है आनी का ब्राइडल शावर. एंड आनी का ब्राइडल शावर इज बेसिकली, इट वाज मनाहिल्स आइडिया कि हम लोग आनी को एक ब्राइडल शावर देते हैं. तो उसने फिर हम सब कजन्स को एक पेज पे लाया है एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग. बेसिकली वी आर जस्ट गिविंग, वी आर थ्रोइंग अ पार्टी टू आनी. तो हम आनी को बाहर लेकर जाएंगे, हम लोग को नई जगह पर बुकिंग कराई हुई है. दो तीन दिनों से हम इसी टेंशन में थे कि यार रास्ते बंद है, ये है वो है, पता नहीं फिर सेफ और नॉट. बट अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनने में आ रहे हैं कि हालात ठीक है. तो अब हम लोग आज जाएंगे, उसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर तक देती हूँ. अभी नाश्ता बन रहा है तो नाश्ता करते हैं. चाय मेरी बॉयल हो चुकी है, मम्मा भी उठ गई है, अनाया भी उठी हुई है, बहुत शोर है. मैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लिप में बात करूँ. क्या मैंने कभी सबवे नहीं खाया? तुम अपने बाल स्ट्रेट कराओ अनाया, पर और भरता खाएंगे तुम बायकॉट वाली चीज़ों से बाल जाओ. तो हम लोग सब अभी थोड़ा थोड़ा रेडी हो रहे हैं और मेरे बाल जो है ना अभी तक ड्राई नहीं हुए. मैं अभी शावर लेकर आई थी, बाकी ये लोग इन्होंने अपने बाल भी स्ट्रेट कर लिए हैं. मनाहिल के और नाया के हो गए हैं. समा भी ऑलरेडी अभी स्ट्रेट कर रही है, वो हो जाता है तो मैं भी अपना जो है ना वो बाल स्ट्रेट करूँगी. उसके बाद जब एक दफ़ा सब रेडी हो जाएंगे तो आपको सबकी फुल लुक्स दिखाएंगे एंड वहाँ जाएंगे. बेसिकली हम लोग जा रहे हैं टू DHE2 क्योंकि वी वर यू नो अ लिटिल रिलक्टेंट गोइंग ऑल द वे टू इस्लामाबाद क्योंकि जैसे हालात है, वरना हमारा इनिशियली प्लान वही था. बट ज़रियाब और रुबाब को भी थोड़ा सा काम था DHE में, तो वो लोग वहाँ हैं तो वो डायरेक्टली उधर आ जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने डिनर बेसिकली करना है. सो यस इज इट फॉर नाउ. ओके गाइस, तो ये है मेरा फुल लुक. मैं आपको तैयारी नहीं दिखा सकी बट आई थॉट सेम सेम हो जाएगा. सो यस, दिस इज दी कॉट सेट आई एम वेयरिंग. हम लोग की आज थीम थी वेस्टर्न, तो इसीलिए हम लोगों ने सबने कुछ इसी तरह का पहना हुआ है. जब सब तैयार हो जाएंगे, एक एक लुक आपको सबकी लास्ट भी कराऊंगी, लास्ट व्लॉग में नहीं करा सकी. एंड आई पेयर्ड दिस बैग इस तरह से एंड यस, बाकी देखते हैं कौन कौन रेडी है तो सबको दिखाते हैं. एंड दिस इज हाउ अनाया इज लुकिंग. वाओ अनु, बहुत प्यारी लग रही हो अनाया. थैंक यू. बाय बाय. बाय. समाविया टेक्स एन इंटरनिटी टू गेट रेडी और उसी का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा लेट होती है. उसको पता होता है कि यार ये टाइम है, लेकिन उससे वो आधा घंटा या घंटा लेट ही रेडी होती है. तो अब वो रेडी हो जाए तो हम निकलते हैं. बाकी मैं मनाहिल अनाया ईशा भी मोस्ट प्रॉब्ली रेडी होगी और हम लोगों ने निकलना है बस. सो ये रही मनाहिल, शी इज़ वेयरिंग दिस प्रीटी ब्लैक कॉर्ड विद दिस लिटिल ग्लिटर बॉर्डर उसके बाजू पे. एंड बस समाविया रेडी हो जाए तो फिर वो दिखाते हैं. हाय मिस लेट कमर, समाविया इज़ आल्सो रेडी. इट्स बेटर टू बी लेट देन सॉरी. हाउ मेनी पोजेस? तो ये मेरी एसेंशियल्स हैं, मेरी ग्लासेस, मेरा वॉलेट, एक जूता जिसे मैं ड्राइव करूंगी एंड माय लिप ग्लॉस. ओके सो वी ऑल आर रेडी. ये सारी पैक हुई हुई हैं एंड ये हमारी फ्लावर, मैं पे फ्लावर लगा दूंगी. बस आने को लेते हैं और आगे चलते थोड़ी सी पार्किंग का प्रॉब्लम हो गया था बट नाउ इट्स ऑल सॉर्टेड. ऑलराइट, तो सीन ये है कि हम लोग आ गए हैं, बस सामने ही है कासा रिका, बिल्कुल सामने है. तो पहुंचते हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, बिकॉज सबने हीले पहनी हुई हैं. तो अंधेरा हो गया, हम लोगों ने रोशनी में पिक्चर्स लेनी थी बट खैर. चाबी पर बैठी वेट कर रही है, उठो चलो. बस यहाँ पे फोटोशूट वगैरह हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने अंदर भी जाना था, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम था. सो वी थॉट के पिक्चर्स ले लेते हैं.
اوکے تو تصویریں وغیرہ جو ہے نا وہ ہوگی, میں ایک شارٹ ویڈیو جو ہے نا ہر ایونٹ کا آنے کا ایک شارٹ ویڈیو کمپائل کرتی ہوں, اس کے لیے بھی میں نے ویڈیوز بنانی تھی وہ بھی بن گئی ہیں. یہاں پہ ایک نکاح کا شوٹ ہو رہا ہے, اب ہم لوگ باہر تھوڑا سا ویٹ کر رہے ہیں ورنہ ہم لوگوں نے اندر جانا ہے. اندر جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں تھوڑا سا, اینڈ یس چلے اندر. آنی ایک منٹ آپ رکنا, میں آپ کے آگے سے ویڈیو بناؤں گی. Girls, thank you very much for inviting me. Itna mazay ka ambiance lunch mein, everything is so good. I'm enjoying it a lot. I hope aapko meri company achhi lagi lagi hogi ya lagi. Abhi maine kuch nahi khaya, but jab khaungi bhi aapko sahi wala thank you. Hamara bread hai aur aapne bahut tasty chahiye. آپ کا کلچ تھا جو ہم آج یوز کریں گے. پکچرس وغیرہ ہو جاتی ہیں, آڈر دے چکے ہیں, سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاتھ ہلا دیں کیمرے کو دیکھ کے, ہاتھ ہلا دیں. گڈ. تھاٹ کہ تھوڑا انڈور سے بھی پکچر لے لیتے ہیں, تو یہاں پہ نا ہم لوگوں نے میچنگ میچنگ جس جس کے آؤٹ فٹس تھے وہ لوگ پہلے آنے کے ساتھ پکچرز بنا رہے تھے. اینڈ جس طرح میرا اور مناہل کا ڈارک کلر تھا تو ہم لوگوں نے اکٹھی بنائی تھی پکچر, باقی زریاب رباب بھی تھے انہوں نے بھی پکچرز لی ہیں ساتھ ساتھ. انا یہاں اسی لیے بیٹھی کیونکہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اچھا ہے. سو انو آئی ایم ٹیکنگ یور پکچر. انو کا بات بات پہ موڈ خراب ہو جاتا ہے. چپس کی دوں گی رات کو. آئی نو دا ٹرک. اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آنی ہیز آلویز بن یو نو دا گرل مینٹور. ہمارے گھر میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں ہم ساری کزنس کی نا آنی مینٹور رہی ہیں. آنی نے ہمیں ہر چیز میں ایڈوائس دی ہے. مطلب مما کو کوئی ہم سے ایشو ہوتا, مما جاتی ہیں آنی کے پاس کہ ان کو سمجھاؤ, ان کو ایسے کرو ویسے کرو. باقی کزنس کا کوئی پرابلم ہوتا, سارے جو ہے نا آنی کے پاس فار ویری سنسیئر ایڈوائسز ہمیشہ سے آنی کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ آنی ہیز آلویز بین ویری mature and very good in giving advices. تو اسی لیے آنی واز آر گو ٹو پرسن اینڈ ول بی آبویسلی. تو خیر یہاں پہ کھانا آ گیا تھا, اینڈ لیٹ می جسٹ ٹیل یو کہ کاسریکا کا کھانا ہم لوگوں نے پہلے کھایا ہے, بٹ ہم لوگوں نے دیسی کھایا تھا, بٹ ان کا کانٹیننٹل اور چائنیز دونوں بہت زیادہ مزے کا تھا. مطلب آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ سب ان کا بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا, لیکن اسٹیکس بہت اچھے تھے, برگرز بہت زیادہ اچھے تھے, اور چائنیز تو بالکل ہی آؤٹ کلاس تھا. We are done dinner. بس ایک اور چیز ہے کہ کیک آ جائے, کیک کٹ کرتے ہیں, کیک کھائیں گے, جائیں گے. ٹائم کیا ہو گیا, آلموسٹ 8 ہو رہے ہیں. ہاں کیک میں اپنے زیادہ منہ اسٹف کر رہی تھی کہ اور کچھ نہیں ہوگا. گاڑی کی چابی کہاں رکھی ہے.
माविया वर ट्विनिंग और ये जो मैम है मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के ऐसे घूम रही जैसे पता नहीं क्या. मनाहिल आनी दरिया रुबाब ऑलरेडी गाड़ी तक जा चुके हैं. ओह आराम आराम से चलो, गिरने वाले थे. आराम आराम से चलते हैं और फिर पहुंचते हैं गाड़ी तक, कहीं मैं ना गिर जाऊं कहीं. किस पे हंस रही हो? नमा की वॉक में. कैसे वॉक कर रही है? ऐसे भी न्यूबॉर्न बेबी है. न्यूबॉर्न बेबी नहीं चलता पागल. जराबी बाप की इन ड्राइव है, उन्होंने उसने आना है, उसका थोड़ा सा वेट होगा और उसके बाद विल लीव. अच्छा समाविया का ना टेक अवे उन्होंने दिया नहीं, जो समाविया ने खाया था लेकिन छोड़ दिया था, तो हम लोगों ने पैक कराया था. आई डोंट नो रेस्टोरेंट्स के साथ क्या हो रहा है. एक दफ़ा पहले भी हम लोग नॉम वॉक गए थे एंड उन्होंने ना जो हमारा खाना पैक किया था वो आधा पैक किया था, आधा उन्होंने नहीं दिया. आई डोंट नो व्हाट डू दे डू, या तो वो भूल जाते हैं या क्या करते हैं, बट दिस इज़ वेरी अनप्रोफेशनल. तो अब जा रहे हैं एंड वो लेकर आते हैं. तो हमें मिल गया हमें पार्सल फाइनली. इतना चल के हम लोग आए हैं, अब चल के वापस जा रहे हैं. ये मनाहिल का बैग, ये मैंने कही हमें इससे उठा के दे दिया, हम इसे पता है जा रहे थे अपने पास ही रखा हुआ था. उन्होंने कहता ओ सॉरी भूल गए. चलो पेंट हो रहा है घर में, पेंट लग गया मेरी गाड़ी पे, बट ये चलते हैं. मेरी कौन सी शॉप हुई है? मैं जूता उतार लेती हूँ क्योंकि मुझसे हील में ड्राइव नहीं होता. दीजिए मेरा खत्म हो गया. सो वी आर ऑफ टू आनी, ये क्या होगा ऑफ टू होम? यस जब मैं हेडिंग बैक टू होम. हेडिंग बैक टू होम यस. अब मैं ये यूज करूंगी. हेडिंग बैक होम नहीं होगा? हां हेडिंग बैक होम. एनीवेज कौन-कौन स्कूल जाने के लिए कल रेडी है? मैं स्कूल नहीं. मैं नहीं जाना है. मैंने भी जाना. एनीवेज पीछे गाड़ी खड़ी है, वेट करिए, निकलते हैं एंड घर जाके बात करते हैं. ओके सो वी आर ऑल होम. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आनी के रिव्यूज़ नीचे जाके सुन लेंगे, अगर ना सुना सकी तो मैं आप लोगों को खुद ही बता दूंगी. वैसे तो वहाँ पे वो बैठी हुई यही कह रही थी कि यार शी एन्जॉयड अ लॉट एंड वो ये कह रही थी कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा जेस्चर किया, मनाहिल बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया एंड एवरीथिंग. यही होता है मेनली, यू नो यू शो योर लव बाई डूइंग लिटिल थिंग्स. तो यस बहुत सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया. अब बस कपड़े शपड़े चेंज कर लेते हैं बिकॉज कल ऑफिस भी जाना है. समावी भी बहुत ज़्यादा खफा है कि यार अब हमें फिर से क्या नाम है यूनिवर्सिटी एंड ऑफिस सारे खुल चुके हैं, बट कल की भी तैयारी करना है. नीचे चलते हैं नीचे. आज जो हाफ लोग रह गए थे ना कल जिनका फेशियल नहीं हुआ था, आज उनके हो रहे हैं एंड मम्मा भी नीचे हैं. मम्मा शायद नीचे खाने में हेल्प कर रही हैं सबकी. तो व्लॉग सिर्फ यहीं तक का था. आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.